नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग गुरु जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज पशुपालकों की जो एक सबसे बड़ी समस्या है उसके बारे में बात करते हैं। आज के दिन सबसे बड़ी समस्या गाय भैंस का गाभिन न होना, समय पर गाभिन न होना, ये बहुत बड़ी समस्या है। और यह समस्या ज़्यादा दिनों से नहीं है, लगभग 10-12 साल से समस्या ज़्यादा सामने आई है। इसका मुख्य कारण हमारा खान पान है। अब बात करते हैं कि ये इस समस्या की मुख्य जड़ क्या है। इस समस्या की मुख्य दो ही जड़ हैं, एक तो बच्चेदानी का इन्फेक्शन और दूसरा न्यूट्रिशन की कमी, विटामिन्स की कमी। तो आइए आज आपको एक सीधे सीधे शब्दों में बताऊं, सरल देसी उपाय जो हम सब कर सकते हैं। यदि हम भैंस की न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी कर देते हैं तो बच्चेदानी का इन्फेक्शन भी 2 से 3 प्रकार का है, उसमें एक ही प्रकार ऐसा है जिसको भारत में काबू करने में अभी सभी अक्षम दिखाई दे रहे हैं। बाकी 2 प्रकार का इन्फेक्शन भी काबू आ जाता है। बच्चेदानी में सूजन है तो आप डॉक्टर से सलाह कीजिए, उसके लिए कोई देसी ऐसा कारगर उपाय है नहीं। और जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ उससे भी किसी हद तक वो भी काबू हो जाता है। तो सुनिए बड़े गौर से, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। 2 किलो गेहूँ या जई, इन दोनों में से कोई एक अनाज आपको लेना है और उसको भिगोकर अंकुरित कर लेना है। 36 से 48 घंटे के अंदर इसके अंदर इस अनाज में अंकुर निकल आएगा। यह 2 किलो अनाज आपको एक समय अपनी गाय या भैंस को डालना है, शाम के समय। उसके बाद आप सर्किल बना लीजिए, इस तरह से अनाज भिगोना शुरू कीजिए कि आपको हर रोज 2 किलो अनाज मिलना शुरू हो जाए। 15 से 20 दिन में इस नुस्खे का रिजल्ट 80+% इसका रिजल्ट है। जो एक मैंने इन्फेक्शन की बात की थी उसको छोड़ दें तो 90 से ऊपर इसका रिजल्ट जाता है। करना हमें क्या है, 2 किलो गेहूं या जई, इनमें से कोई एक अनाज हम ले लें, उसको अंकुरित करके अपनी गाय या भैंस को 2 किलो की मात्रा में हर रोज खिलाएं। 15 से 20 दिन में इसका रिजल्ट आ ही जाता है और यह आपको लगभग 1 महीना खिलाना है। यह अंकुरित अनाज ऐसा समझें जैसे आप किसी से बात करते हो कि ये पाउडर खिलाइए, ये टेबलेट खिलाइए, वो सब भी वही काम करती हैं। यह है, इसको गेहूं का जवारा भी कहते हैं। यह गेहूं का जवारा नहीं है, ये एक किस्म से डायरेक्ट खून की बोतल है। और पशु में ये जितने हम मिनरल विटामिन्स देते हैं खून की मात्रा ही बढ़ाते हैं, और जब खून की मात्रा प्राकृतिक तरीके से बढ़ जाती है तो इसका परिणाम आता ही है। तो प्यारे किसान भाइयों, 15 से 20 दिन में इसका परिणाम आ ही जाएगा और लगभग 1 महीना इसको खिलाइए। दोबारा सुन लीजिए, गेहूं या जई में से कोई एक अनाज 2 किलो की मात्रा में अंकुरित करके अपनी गाय भैंस को खिलाइए और उसके बाद रिजल्ट देखिए, वह बिल्कुल गाभिन होगी और गर्भ धारण करेगी। और सबसे बड़ी जो नुकसान है वह उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा और आप सब लोगों का एक बार दोबारा फिर से धन्यवाद करता हूँ कि आप इतना अच्छा रिस्पॉन्स इस चैनल को दे रहे हैं। तो इस रिस्पॉन्स को देखते हुए अभी आगे आने वाली वीडियो हमने विचार किया कि जो अभी किसान इस काम को कर रहे हैं उनकी भी समस्याएं आपके कमेंट्स पढ़कर हम जो बिल्कुल शुरुआत से बात शुरू की थी उससे अब थोड़ा आगे जो अभी कर रहे हैं उनके लिए बना रहे हैं। अगला वीडियो
गाय भैंस का सींग का खोल उतरना या कहीं पर भी चोट लगने पर खून आ जाए, उसके बारे में बड़ा ही गजब देसी नुस्खा है। और दूसरा, एक वीडियो हमने बनाई थी दूध बढ़ाने की विधि, उससे भी आपका दूध बड़ा होगा। और यदि नहीं तो इसके आगे भी और भी कई विधियां हो सकती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो खिलाकर दूध बढ़ाया जा सकता है। सारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, हमारी वनस्पतियां हैं, ऐसी कोई चीज़ उनमें नहीं जो बाहर से लेके आनी पड़े। तो आपके कमेंट जिस चीज़ के ऊपर आएंगे कि आप उस दवा के ऊपर अगली वीडियो देखना चाहते हैं या दूध बढ़ाने की विधि के ऊपर ही, आपके कमेंट जिस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा होंगे, नेक्स्ट हम वही आपको बना कर देंगे। तो हम सब विचार करके मिलकर अब इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे दिमाग में एक बात हमेशा ही रहनी चाहिए कि हमारी गाय भैंस को हमारे खेतों की वनस्पतियां, खरपतवार, जड़ी बूटियां ही चाहिए, किसी का कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ताकि आप मजबूती की पोजिशन में आ सकें और हम आगे बहुत अच्छा काम कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान संतान।